नवरात्र महापर्व के चलते शहर भर में गरबा महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर शहर के महालक्ष्मी मंदिर उषा नगर क्षेत्र में भी गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। श्री महालक्ष्मी मंदिर उषा नगर इंदौर में 3 दिवसीय गरबा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गरबा संयोजक श्रीमती बबीता ठाकुर ने बताया कि गरबा उषा नगर की सरिता राठौर, श्रीमती शिंदे, श्रीमती जोशी, श्रीमती अग्रवाल, श्रीमती शर्मा के साथ कॉलोनी के बाहर से भी बालिकाओं व महिलाओं ने गरबे की प्रस्तुतियां दी। गरबे में राजेश जोशी, राजकुमार राठौर सहित कई पुरुषों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बच्चे बच्चियों, युवतियों व महिलाओं को अपनी अपनी कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। कितने वर्षों से आपने चलते? 4 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को चलते चलते। बहुत सारी हैं, पहले साल में तो बहुत सारी थी, अब और बढ़ गई हैं। लोगों की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इस कार्यक्रम के लिए। मेरे आसपास के पूरे सब लोग हैं और सब लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। नहीं, बच्चों को हमने कृष्ण भगवान और राधा बनवाया और एक बच्चे को हमने गणेश बनवाया था, ताकि इस परफॉर्मेंस में जो चीज़ों की बच्चों को भी उपस्थिति मिले, बच्चे भी इनकरेज हों कि कल को हम भी अगर ऐसा करना चाहें तो शाय फील नहीं करें उस चीज़ के लिए। एक महीना हो गया है प्रैक्टिस करते करते। बहुत ज़्यादा है, हम करीबन 30-35 हैं। लेडीज़ अपनी घर गृहस्थियाँ छोड़ के इस प्रैक्टिस में आई हैं और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा अपना 100% दिया है इन्होंने। ये कार्यक्रम महिलाओं ने 4 वर्ष शुरू किया था। एक साल में पहले 1 दिन का करा, दूसरे साल 2 दिन का करा, तीसरे साल 3 दिन का, और इस साल पूरा 4 दिन का इन्होंने कार्यक्रम करा। हाँ, ये महिलाओं की प्रैक्टिस पूरे 1 महीने से चल रही है और 1 महीने की प्रैक्टिस में ये सब महिलाओं ने, प्रोफेशनल कोई भी बाहर से नहीं आया, यहीं के लोगों ने गरबा करवाया और बहुत अच्छा करा। महालक्ष्मी मंदिर पर हमारा मेन तो जो कार्यक्रम रहता है दीपावली रहता है, तो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता है, पूरा 5 दिवसीय रहता है। लेकिन नवरात्रि में भी अब लोगों यहाँ पे पिछले 4 सालों से गरबे का आयोजन भी चालू हो चुका है, जो कि यहाँ की महिलाएं मिलकर के करती हैं और कम से कम अभी यहाँ पे 100 से 200 महिलाएं इकट्ठा हो चुकी है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पार्षद भरत पारख, मंदिर न्यास अध्यक्ष राजकुमार राठौर, विक्रम शिंदे, राम अग्रवाल उपस्थित रहे। Yeah!
भरत पारख व राजकुमार राठौर ने अपने संयुक्त उद्बोधन में बताया कि महालक्ष्मी मंदिर में नगर निगम से 60 लाख रुपए की लागत से उद्यान व मंदिर परिसर को सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में मंदिर व उद्यान में और बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। आगामी दीपावली पर 5 दिवसीय महोत्सव मंदिर पर धनतेरस से भाई दूज तक धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां मंदिर पर जोर शोर से चल रही है। महालक्ष्मी मंदिर गरबा महोत्सव आयोजन में समाजसेवी मोहनलाल बागोरा सहित अनेक लोगों का योगदान रहता है।